हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में हमने कल जो लेट से शुरू होने वाले जो डायरेक्ट के सेंटेंस होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो कल हमने देखा था। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। हेडिंग डाल दो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन, ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किनको हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें एक बात और इसमें लिख लो आप, अगर अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना प्रार्थना हो, आशीर्वाद अभिशाप, इसको हम साप भी कहते हैं, इसको साप देना अभिशाप, प्रार्थना आशीर्वाद अभिशाप, दिख रहा आपको? अच्छा ठीक है। अभिशाप के अर्थ में, अभिशाप के अर्थ में अर्थ में माइट मे का प्रयोग होता है, के अर्थ में मे का प्रयोग होता है, तो उसे हम ऑप्टेटिव, तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी सबसे पहले आपको देखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के में प्रार्थना हो, प्रार्थना को आप जानते हो प्रे बोलते हैं, आशीर्वाद ब्लेस्ड, अभिशाप, अभिशाप को हम बोलते हैं कर्स्ड, किसी को श्राप देना, किसी को बद्दुआ देना ब्लेस्ड, ये हो जाता है आपका, ये आपकी प्रे। तो आदि के अर्थ में अगर मे का यूज होता है तो हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके कुछ नियम होते हैं, तो इसके इनडायरेक्ट बनाने के नियम है कुछ, इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इनडायरेक्ट बनाने के नियम, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट आपको कैसे बनाना है उसके कुछ नियम होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं। तो उन रूल्स वगैरह को हम एक बार देखते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो इसमें लिखो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट आपका है, रूल नंबर फर्स्ट में है आपका, आप लिखोगे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के शेड को, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के
सेड को रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को वाक्य के भाव के अनुसार सेड को वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को वाक्य के भाव के अनुसार किसमें बदलोगे आप? या तो विज्ड में, ब्लेस्ड में को विज्ड या ब्लेस्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड, विज्ड, ब्लेस्ड या कर्स्ड या प्रेड में बदल देते हैं। यह किसमें बदल देते हैं? प्रेड में बदल देते हैं। आपको देखना है कि जो वाक्य आपको दिया गया है उसमें कोई आशीर्वाद है, उसमें कोई शुभकामनाएं हैं, उसमें कोई अभिशाप है, कोई श्राप दिया गया आपको या कोई प्रार्थना की गई आपके लिए, उसी प्रकार से उसको बदल देते हैं। एवं साधारण वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं, साधारण वाक्य में या असर्टिव सेंटेंस के अंदर, या असर्टिव सेंटेंस के अंदर, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी आपका सेंटेंस जो है वो एक सिंपल वाक्य हो जाएगा। तो पहला रूल तो उसका क्या है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को विज्ड, ब्लेस्ड, करस्ट, परेड में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। पहला नियम इसका ये हो गया। थोड़ा इसमें कैमरा ठीक नहीं लग रहा है। तो पहला नियम इसका आपने क्या लिखा कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को वाक्य के भाव के अनुसार विस्ट, ब्लेस्ट, करस्ट, परेड में बदल देते हैं एवं साधारण वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा इसके अंदर आगे इसमें देखो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, इसमें आगे लिखो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के हो तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए माइट, किसको? मेको माइट में बदल देते हैं। ये कब है? जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो और अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपके मे दिया हुआ है तो उसको हम माइट में चेंज कर देते हैं। और उसके बाद में एवं कनेक्टिव्स या कंजक्शन, कनेक्टिव या कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। दिख रहा है क्या आपको यहां पर? एवं कंजक्शन दैट का यूज
करते हैं। कंजक्शन दैट का यूज करते हैं और कंजक्शन दैट का यूज करते हैं दैट का यूज करते हैं एवं इंटरजेक्शन जिन एवं इंटरजेक्शन चिन्ह जो चिन्ह होता है कैसा होता है वो ये आपने देखा होगा ऐसा वाक्य विस्मयबोधी को हटा देते हैं को हटा देते हैं। तो ये इसके नियम है। पहला नियम क्या था कि एक बार नियम को फिर से देख लो। अगर पहला नियम था कि अगर रिपोर्टिंग इसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब के में जो शेड आपको दिया हुआ है उसको वाक्य के भाव के अनुसार विष्ट बलेष्ट करष्ट प्रेड में बदल देते हैं एवं वाक्य को साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा इसमें था लिखाया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए मे को माइट में बदल देते हैं एवं कनेक्टिव व कंजक्शन के लिए हम दैट का यूज करते हैं और इंटरजेक्शन चिन्ह यानी ये वाला जो चिन्ह होता है साइन होता है जिसको विस्मयबोधी भी बोलते हैं हिंदी में उसको हटा देते हैं। तो ये परिवर्तन आपको करने हैं जब आप इनडायरेक्ट बनाओ तब। तो अब एक बार थोड़े इसके सेंटेंस देखते हैं हम कि हमें किस प्रकार से ये परिवर्तन करने हैं और किस प्रकार से वाक्य को चेंज करना है। तो इसका एक वाक्य इसका एक एग्जांपल देखो कि हमें कैसे परिवर्तन करना है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट का उसको बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का सेंटेंस आपका है ही सेड टू मी सेड टू मी ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग May you live long। इस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा May you live long। यहां इसमें ध्यान रखना इसमें इंटरजेक्शन साइन है ये तो ये इसमें दिया हुआ आपको आएगा इसको हमें हटाना है। तो ये सेंटेंस है He said to me May you live long। अब देखो इसको इसका हमने बनाना है इनडायरेक्ट। क्या करेंगे पहले तो आपको वाक्य का भाव देखना है कि इसमें क्या है। उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग आपकी उम्र लंबी हो यानी कोई आपके लिए शुभकामनाएं मांगता है आपके लिए आपको आशीर्वाद देता है या आपके लिए प्रार्थना भी करता भगवान से तो उस प्रकार का सेंटेंस है। इसका आप बनाओगे तो इसमें आपके लिए प्रार्थना की गई है आपके लिए विश इसमें मांगी गई है कि आपकी उम्र लंबी हो। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम सबसे पहले हम जो सेड टू है उसको कर देंगे ही विश्ड
फिर इसमें हम कंजक्शन कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट का, ही यूज्ड दैट, आई, फिर देखो इसके अंदर इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका हो जाएगा आई, और आपका मे है उसका क्या कर दोगे, माइट। तो और चूंकि हमको इसको एक सिंपल वाक्य में परिवर्तित करना है, तो सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट को आप पहले लेके आओगे, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। थोड़ा सा इसमें अलग है इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना आपको। तो ये हो जाएगा ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्या किया हमने, सेट का क्या कर दिया, विश्ड कर दिया, और यहाँ पर जो कंजक्शन क्या लगाया, दैट लगा दिया आपने, और यू का आपने कर दिया आई, और मे का आपने कर दिया माइट। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने मे का माइट कर दिया। इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। अब इसमें और देखो विश्ड का प्रयोग कब करते हैं, इसमें आप देखो शुभकामना व्यक्त करने के लिए, शुभकामना व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश्ड का करने के लिए, विश्ड का शुभकामना व्यक्त करने के लिए विश्ड का तथा अभिशाप देने के लिए, अभिशाप या शाप देने के लिए कर्स्ड का यूज करते हैं, कर्स्ड का यूज करते हैं। अब आपने देखा शुभकामना व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विज्ड का। यहां पर देखा आपने कि शुभकामना मांगी गई है आपके लिए कि आपकी उम्र लंबी हो। जब भी हम किसी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं, जब उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हम कि आपकी उम्र लंबी हो, खुश रहो, आपकी उम्र लंबी हो, तरक्की करो। तो मतलब क्या है कि वो आपके लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। और अगर किसी से कोई आप किसी से आपकी दुश्मनी हो या कोई आपका बुरा चाहता हो, तो वो आपके लिए शाप भी मांग सकता है, अभिशाप भी आपको दे सकता है। कि तो उसके लिए हम क्रेडिट का यूज करते हैं। अब इसके अंदर देखो एक और प्रे का प्रयोग, प्रेड का यूज, प्रेड भी करते हैं इसके अंदर। प्रेड का यूज ईश्वर से प्रार्थना करने पर होता है, प्रेड का यूज ईश्वर से प्रार्थना करने पर करते हैं। अगर कोई भगवान से प्रार्थना करता है तो उस केस में हम प्रेड का यूज भी करते हैं। भगवान से अगर कोई प्रार्थना करता है किसी के भले के लिए, तो उसके लिए हम प्रेड का यूज करते हैं। अब इसमें देखो कुछ एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू मी, मे गॉड हेल्प यू। एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। इस वाक्य को ध्यान से देखो, इसमें क्या किया गया है,
इसमें भगवान से आपके लिए प्रार्थना की गई है, गॉड यूज हुआ है इसमें, भगवान से आपके लिए, ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आपको वाक्य का भाव देखना है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। तो इसमें देखो, इसमें भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की गई है आपके लिए, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, प्रेड का। तो अपना सेड टू है उसको किस में चेंज करेंगे, प्रेड में। तो ये आपका हो जाएगा सेंटेंस, ही प्रेड दैट कंजेक्शन आपका क्या जाएगा, दैट ही प्रेड दैट। फिर आपको मे को माइट में बदलना है और सब्जेक्ट को पहले लेके आना है, तो आपका गॉड जो है वो पहले आ जाएगा, गॉड मे का हो जाएगा आपके माइट, फिर हेल्प। और चूंकि यहां पर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यू दिया हुआ है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, चेंज कैसे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का, लेकिन यहां पर चूंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है इसलिए इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना आपको, वहां पर आपको आई नहीं करना है, आपको मी ही लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, और सिंपल वाक्य में परिवर्तित करना है। ये जो चिन्ह है इंटरजेक्शन का वो आपके हट जाएगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है वो भी हट जाएंगे, और एक असर्टिव सेंटेंस में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है, ही प्रेयर दैट गॉड माइट हेल्प मी। आगे इसमें देखते हैं हम, अब इसमें रूल नंबर एक और इसमें नियम देखो बनाने का, इसमें एक और रूल देखो, देखो आप, यदि रिपोर्टेड स्पीच में रूल नंबर यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का यूज होता है, गुड बाय या गुड नाइट यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपके गुड बाय दिया हुआ है या गुड नाइट दिया हुआ है, इनका यूज का यूज होता है, का यूज होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपके गुड बाय या गुड नाइट का यूज होता है तो सेड के स्थान पर बैड का यूज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के स्थान पर बैड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बैड का। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के स्थान पर बैड का यूज करते हैं, बैड का यूज करते हैं, तथा इसमें लिखो, तथा लिखो, इसमें लिख दो, और यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग
गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग का यूज होता है या गुड इवनिंग का यूज होता है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में होता है। तो हम क्या करते हैं का यूज होता है, तो हम सेड के स्थान पर तो सेड के स्थान पर क्या लिखते हैं? विज्ड लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? विज्ड लिखते हैं। तो इसमें आपने देखा कि बताया मैंने आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर गुड बाय या गुड नाइट आपको दिया हुआ है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में जो वहां पर सेड लिखा हुआ है उसके जगह क्या कर देते हैं? बैड। और का यूज, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग का यूज होता है तो सेड के स्थान पर क्या करते हैं? विज्ड कर देते हो आप। तो ये चेंजेज आपको करने हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक दो इसका एग्जाम्पल देख लो। पहला इसमें सेंटेंस डायरेक्ट का, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। ही सेड गुड बाय, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड। ये आपका एक डायरेक्ट का सेंटेंस है, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, जिसका हम कर देंगे। अब देखो आप इसको, आपको देखना है कि इसमें किसका यूज हुआ है? गुड बाय का। तो अभी मैंने आपको लिखाया था कि अगर गुड बाय का यूज होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड लिखा हुआ है उसका क्या कर देंगे? बैड। ये हो जाएगा आपके ही बैड, तो ये हो जाएगा आपके ही बैड। फिर हम गुड बाय जो है ये आप कर जाएंगे, गुड बाय जो आपके वो आ जाएगा ऐसा कैसा, गुड बाय। फिर आपको देखना है यहाँ पर माई दिया हुआ है, माई किसका, किसकी फॉर्म है? ये आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, तो क्या करोगे इसको? ये चेंज कैसे होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो हमें यहाँ पर ही की रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी? हीज, हीज फ्रेंड। और ये कुछ सिंपल वाक्य में परिवर्तित कर दिया, ये चिन्ह आपके हट गए, इस प्रकार से इसका परिवर्तन हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रवि सेड गुड नाइट राहुल। रवि सेड गुड नाइट राहुल, आपने देखा रवि सेड गुड नाइट राहुल। इस वाले वाक्य में किसका यूज हुआ है? गुड नाइट का यूज हुआ है, तो क्या करोगे आप? गुड नाइट का आपको क्या करना है? तो ये आपका हो जाएगा सेड का क्या कर दोगे आप? वही बेड। रवि बेड ये आपके अट जाएंगे, फिर गुड नाइट टू राहुल, गुड नाइट टू राहुल। और ये आपका सिंपल वाक्य में परिवर्तित आपका सेंटेंस हो गया। अगर इसके अंदर आपके गुड मॉर्निंग दिया हुआ हो तो क्या करोगे? एक वाक्य उसको भी देख लो, गुड मॉर्निंग वाला भी।
इसको यहीं पे लिख देता हूँ। अगर आपके दिया हुआ है रवि सेठ गुड मॉर्निंग, आपके वाक्य लिखा है मैंने, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ उसको डायरेक्ट, रवि सेठ गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। तो इसका आप देखो इसके अंदर इस वाले वाक्य में क्या दिया हुआ है आपको, गुड मॉर्निंग दिया हुआ है तो क्या करोगे, विज्ड का यूज करोगे आप, किसका करोगे, विज्ड का यूज करोगे। तो ये आपका हो जाएगा रवि विज्ड रवि वेस्ट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माई है आपका, तो फिर अगेन वही माई का क्या कर दोगे, माई आपकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, चेंज कैसे होगी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है रवि रवि, रवि के लिए हम ही का यूज कर सकते हैं, ही की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है, हिज फ्रेंड, और ये सिंपल वाक्य आपका बन गया। तो इस प्रकार से हम उनका परिवर्तन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू, दैट्स ऑल।